हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली रिव्यू। दोस्तों आज मैं शीट मास्क की रिव्यू कर रही हूँ और ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है फ्रॉम न्यूट्रोजेना। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये है न्यूट्रोजेना की हाइड्रो बूस्ट हाइड्रोजेल मास्क। ये कुछ इस तरीके से नजर आता है, ये न्यूट्रोजेना ने न्यूली लॉन्च किया है। ये 100% हाइड्रोजेल मास्क है, वाओ। और ये हाइलोरोनिक एसिड कंटेन करता है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हाइलोरोनिक एसिड से बने हुए। अगर आप शीट मास्क यूज़ करते हैं या अगर आप फेस क्रीम्स यूज करते हैं तो ये आपके एजिंग के प्रोसेस को माइनस करता है, फाइन लाइंस को दूर करता है, प्लम्पी बनाता है स्किन को। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेंटली क्वेंचेस स्किन, डीपली हाइड्रेट्स, लीव स्किन सपल एंड हाइड्रेटेड। ये सारी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसकी जो प्राइस है ये 275 रुपीज़ की 30 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको मिलती है। कंटेन्स हाइलोरोनिक एसिड, नॉन क्रोमेटोजेनिक है, जेंटल ऑन स्किन है और ये हाइड्रोजेल मास्क है। तो इसको तो मैं पहली बार यूज कर रही हूँ। वैसे मैंने बहुत से शीट मास्क यूज किए हैं पर हाइड्रा बेस जो शीट मास्क होते हैं इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे काफी रिक्वेस्ट की थी कि आप ये वाला यूज करें, सो आई एम हियर। एंड चलिए इसको फेस पे यूज कर लेते हैं। और मेरी स्किन थोड़ी सी डल हो गई है जैसे कि आप देख भी सकते हैं, तो देखते हैं ये स्किन में कैसा रिजल्ट देता है गाइज। और लेट्स ओपन दिस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है यहाँ पर मार्क दिया हुआ है कि आप इसे इस तरीके से ओपन करें। एंड इसको जो है मैंने नायका से परचेज किया था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर से है ये, बट यूज़ करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो उठती हुई काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, सो लेट मी ओपन दिस। ओके, तो ये इस तरीके से ये ओपन हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ये डेलिकेट है गाइस। एंड ये कवर है ऊपर से जो वाइट कलर का है और ये बहुत ज़्यादा जो है सेरम से डूबी हुई है और फैब्रिक भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, मानना पड़ेगा, बहुत ही सुंदर। तो ये मुझे लगता है ये पहले एक्चुअली ये हाफ पार्ट में दिया हुआ है ना दोस्तों, तो पहले मुझे इसका जो है कवर निकालना पड़ेगा वेरी सॉफ्टली। तो ये आय का है, तो ये आय का मैं रिमूव कर लेती हूँ सबसे पहले। सो दिस इज सो डैम, ये इतना गीला है, तो चलिए इसको प्लेस कर लेते हैं पहले। और इसमें ना दोस्तों आप इसको आँख से कवर भी कर सकते हैं, ये ऐसा दिया हुआ है ताकि ये आपके आईज पे भी बहुत अच्छा सा रिजल्ट दे। सो लेट्स जस्ट अप्लाई दिस। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर लिया। मैं चाहूँ तो मैं इससे अपनी आईज़ को बंद भी कर सकती हूँ, जो कि मैं लेटर कर लूँगी जब मैं इसका वेट करूँगी कि इसको कितने समय तक लगा के रखना होता है। एंड ये रहा इसका दूसरा पार्ट जो लगाना होता है। एंड चलिए इसको भी अभी लगा लेते हैं। ये इतना ज़्यादा गीला है और लिप्स के लिए भी यहाँ पर जो है दिया हुआ है विच इज़ फैंटास्टिक। मतलब ऐसा मास्क तो यूज़ करना बनता ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिप्स को कवर करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ताकि लिप्स भी अच्छे से जो है मॉइस्चराइज हो जाए, और आईज को भी कवर करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस पे जो है सीरम बहुत ज़्यादा शीट पे लगा हुआ है, कि आपको इसे 30 मिनट रखना होता है। एंड आफ्टर क्लेंसिंग एंड बिफोर अप्लाइंग योर सीरम टू गिव योर स्किन एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, एंड अप्लाई टू योर फेस एंड लीव फॉर 15 to 30 मिनट। तो जेंटल है, काफ़ी ज़्यादा जेंटल है स्किन पे। तो 15 मिनट नहीं, 30 मिनट इसको मैं लगा के रखूँगी कि अच्छे से हाइड्रेशन मिले। तो मिलती हूँ आपको 30 मिनट्स के बाद गाइस। मैं ना इसको अभी आईज़ को कंसील कर लेती हूँ, मतलब इसे कवर कर लेती हूँ अभी, और लिप्स को भी कवर करके आपको 30 मिनट के बाद मिलती हूँ। तो दोस्तों पूरा हाफ एन आवर हो चुका है, एग्जैक्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं गाइज, और मैं अब इसे रिमूव कर रही हूँ। तो चलिए इसे भी रिमूव करके देखते हैं कि स्किन पे कैसा रिजल्ट आया है। एंड ओह माय गॉड, आप मेरी फेस की स्किन देख सकते हैं। एक्चुअली मैं
बहुत ही सुंदर इफेक्ट आया है इसका। एंड बस इसका काम हो गया, ख़त्म। इसको आप दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों, इसका यही एक ड्रॉबैक होता है। और इसको ना मैं हल्का हल्का अभी थोड़ा थोड़ा मैं इसको मसाज कर रही हूँ, हल्का हल्का। वैसे तो मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा जो है सेरम लगा हुआ है, इसको बस हल्का हल्का मैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्किन मेरी बहुत ही ज़्यादा जो है ग्लो कर रही है। एंड डलनेस तो वाकई में फेस से दूर हो चुकी है और ब्राइटर हो गई है स्किन और ज़्यादा। और मॉइस्चराइजेशन बहुत बढ़िया हुआ है, हाइड्रेशन बहुत बढ़िया मिली है मेरे स्किन को, बहुत ही ज़्यादा मुझे बेटर फील हो रहा है इस समय। और इसमें ना इसका यही एक ड्रॉबैक होता है कि बस अभी ये फिनिश हो चुका है, इसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। बट इसमें अभी भी इसका जो है सिरप है, तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, 1 वीक तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर ले और पिनअप करके आप फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके आप फेस पे लगा सकते हैं। तो मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया लगा है। वैसे थोड़ा सा मैंने इसको इस तरीके से जो भी है और थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी, क्योंकि अभी मॉनसून चालू हो गया है ना गाइस, तो स्किन पे तो हाइड्रेशन बनती ही है लग करना मतलब। और अभी भी इतना है इसमें कि मैं इसको स्टोर करके रख सकती हूँ। तो मुझे ये बहुत बेस्ट लगा है, आप ज़रूर से इसको यूज़ में लेके आए दोस्तों। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, 275 रुपीज़ का है, बट वो कहते हैं ना एक वक्त अगर आप अपने स्किन केयर में कोई बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करें तो आपको उसका जो है एक चस्का लग जाता है, तो आप उसको दोबारा यूज़ करने के लिए आपकी इच्छा बहुत बढ़िया तरीके से वो जागृत होती है कि नहीं हमको यही प्रोडक्ट चाहिए। अगर इसने आपको पहला रिजल्ट बहुत सॉलिड वाला दिया है तो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा मेरे चैनल डेली रिव्यू को, बेल पर दबाइएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। ओके दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच। और मुझे तो स्किन बहुत ज़्यादा इस वक्त पसंद आई है अपनी, हाईली रिकमेंड करूँगी आप सभी को। प्लेलिस्ट पे जाके मेरी शीट मास्क की रिव्यूज़ देख सकते हैं, बहुत से शीट मास्क मैंने किए हैं, या तो उस चैनल पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। गुनिका के इंस्टाग्राम आईडी पे भी ज़रूर से विजिट करें और गुनिका को फॉलो ज़रूर से कीजिएगा इंस्टाग्राम पे भी गाइस, सपोर्ट कीजिए गुनिका को भी इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।